आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सभी का पुरजोर स्वागत है। मुझे पता है आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो मेरा जोश भी बढ़ता जा रहा है कि क्यों ना कुछ ऐसी बीमारी या समस्या का वीडियो बनाऊं जिससे वाकई लोग जूझ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों को मस्से यानी कि वार्ट्स, जो शरीर के किसी भी अंग में देखने को मिल जाता है, उसके कुछ खास लक्षण और उसके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने शरीर पे होने वाले मस्सों से परेशान हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप जान सकें कि इसका सही समाधान क्या है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मस्सों के कई प्रकार हैं, जैसे छोटे मस्से, बड़े मस्से, नुकीले मस्से, मुलायम मस्से, कठोर मस्से, घने मस्से, दर्दीले मस्से इत्यादि इत्यादि। अब ऐसे ही कुछ खास मस्से और उनके लक्षण के आधार पे होम्योपैथ की कुछ चुनिंदा दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने और देखें। दोस्तों मस्सों का नाम आते ही हमें सबसे पहले थूजा की याद आती है, जिसे हम वार्ट्स के मुख्य दवा के रूप में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के मस्सों की मुख्य दवा थूजा क्यों? जी हाँ, थूजा क्यों, जिसे रुई में भिगोकर मस्सों पर लगाएं, और थूजा 30। अगर रोग नया है और बच्चों में है, वहीं पे बड़ों के केस में थूजा 200। जी हाँ, थूजा 200 रोज एक खुराक से लेकर थूजा 1 ml। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए विभिन्न प्रकार के मस्से जिनके सिम्टम्स अलग अलग हैं। अगर मस्सा नोकदार व चुभने वाला है तो कैल्केरिया कार्प 30। जी हाँ, कैल्केरिया कार्प 30 रोज दिन में 3 बार या कैल्केरिया कार्प 200। रोज एक खुराक का चुनाव कर सकते हैं। छोटे छोटे इकट्ठे बहुत सारे मस्से जिनकी जड़ें मुलायम और ऊपर से कठोर हो, तो ऐसे में दोस्तों कॉस्टिकम 30। जी हाँ, कॉस्टिकम 30 रोज दिन में 3 बार दें। अगर रोग थोड़ा पुराना और वयस्क में हो तो कॉस्टिकम 200। रोज एक खुराक दें, कुछ ही दिनों में मस्से समाप्त होते नजर आएंगे। टेढ़े मेढ़े रफ यानी कि खुरदुरे मस्से हों, बड़े बड़े मस्से हों, और अगर ऊपर के होठ पर मस्से हों तो दोस्तों याद रखें रामबाण औषधि नाइट्रिक एसिड 30। जी हाँ, ऐसे केस में नाइट्रिक एसिड 30 रोज दिन में 3 खुराक दें। 15 दिन के बाद नाइट्रिक एसिड 200। जी
जी हाँ, 15 दिनों के बाद आप नाइट्रिक एसिड 200 की एक खुराक कुछ दिनों तक लगातार लेते रहें। अब अगर मसों को छूने से दर्द हो, मस से घाव यानी कि जख्म का रूप पकड़ रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों नेट्रम कार्ब 30 जी हाँ, नेट्रम कार्ब 30 रोज दिन में 3 बार लें, ये ऐसे मसों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ है। दोस्तों हाथों के ऊपरी हिस्से यानी कि स्किन वाले पार्ट पे जब मसे हों, तो ऐसे केस में काली म्योर 30 जी हाँ, काली म्योर 30 रोज दिन में 3 बार दें, और साथ में काली म्योर 6x बायकेमिक मेडिसिन काली म्योर 6x 4 टेबलेट रोज 4 बार गुनगुने पानी के साथ लेते रहें, इससे आपको उपयुक्त लाभ मिलेगा। अब अगर हथेलियों पर मस्से हों, दोस्तों पाम हाथों की हथेलियों पर मस्से हों, तो नेट्रम म्योर 30 जी हाँ, नेट्रम म्योर 30 की रोज 3 खुराक, और साथ में नेट्रम म्योर 6x जी, नेट्रम म्योर 6x के 4 टेबलेट की रोज 4 खुराक नियमित दें, इससे कुछ ही दिनों में आप मस्से गायब होते देखेंगे। दोस्तों मस्सों और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो दोस्तों उससे भी हमें अवगत जरूर कराएं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यानी कि सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो दोस्तों इसे यहीं पे सब्सक्राइब करता चलें, इसे लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।